हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कृतिका कोहली रेसिपीज। आज हम बनाएंगे बैंगन, खट्टे और मज़ेदार बैंगन। बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो लोग बिना प्याज और टमाटर के, बिना लहसुन के खाना चाहें, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। इसके लिए मैंने 300 ग्राम बैंगन ले लिए हैं। बैंगन हमें कुछ इस तरीके के चाहिए, बिल्कुल ही पतले और लंबे, और इसको हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ करके लिया है। ये इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि बीच में कहीं कीड़ा तो नहीं है या ख़राब तो नहीं है। इसमें कोशिश करना है कि जितना पतला आप ले सके बैंगन उतना अच्छा है। ये देखिए, बिल्कुल साफ है बैंगन सब। ये थोड़े लंबे हैं इसलिए मैं इसको बीच में से कट कर रही हूँ। छोटे साइज के भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसमें सभी बैंगन को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, ये बिना प्याज और लहसुन के बनेंगे। एक बाउल में मैंने 2 टीस्पून अनारदाना पाउडर लिया है। इसमें हम डाल लेंगे नमक यानी सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालना है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अभी हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में ये सारे मसाले डाल रही हूँ। हल्दी 1/4 टीस्पून, इसमें ऐड किया है आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। ये हमारे सारे मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मसाले को इस बैंगन के अंदर डाल देंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से डालना है। मसाले को अंदर अच्छी तरह से डालना है, पूरे बैंगन में, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है। ये एक बैंगन रेडी हो गया। इसी तरीके से हम सभी बैंगन के पीसेस में ये मसाला डाल लेंगे। ये बैंगन, खट्टे बैंगन, हम बिना प्याज, बिना टमाटर, बिना लहसुन और बिना अदरक के बनाएंगे। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हम इसमें बैंगन के सभी पीसेस ऐड कर लेंगे, यानी इसमें सब पीसेस जो है वो डाल लेंगे। फ्लेम को अभी लो पे कर दिया है। ये सारे पीसेस इसमें डाल दिए। फ्लेम मीडियम पे कर लेनी है। इसको कवर करके हम 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, कलर जो है बैंगन का वो चेंज हो रहा है, यानी हमारे बैंगन जो हैं वो अच्छे से पक रहे हैं। इसको हम टर्न कर लेंगे ताकि ये हर साइड से अच्छी तरीके से पक जाए। इस सब्जी को आप किसी भी दाल के साथ या चपाती के साथ आप लें, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा ये बनाती हूँ। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है।
जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आज क्या बनाना है तो मैं ये बना देती हूँ। ये मसाला जो इसमें से बच गया था वो ऊपर से ऐसे डाल देंगे हम। ये हमारे खट्टे बैंगन जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इंजॉय कीजिए चपाती या परांठे के साथ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।